नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के धार्मिक स्थलों को सुरक्षित व विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव का उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव का शुभारंभ पंडित विपिन मिश्र के स्रोत वादन व शंखनाद से हुआ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव का आगाज किया। उद्घाटन करने से पहले श्री सोरेन ने मां भद्रकाली की पूजा अर्चना की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि मां भद्रकाली की ख्याति अब दूर दूर तक फैल रही है। चतरा जिला का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ईटखोरी में तीनों धर्मों का समागम है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मन को शांति मिलती है। लोगों को कर्म पर विश्वास करना चाहिए। बिना आस्था कोई मनुष्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आदिवासियों के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह सभी समुदाय के धार्मिक स्थलों को सुंदरीकरण कर विकसित किया जाएगा। हमारी गठबंधन की सरकार सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान करेगी। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। भारतीय सेना में अग्निवीर बनना है तो ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 22 मार्च के बीच करें। सभी वर्ग के पुरुष और महिला आवेदन दे सकते हैं। आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2024 से होगी। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अग्निवीर जनरल ड्यूटी टेक्निकल कार्यालय सहायक SKT ट्रेडमैन अग्निवीर सेना महिला पुरुष के लिए नर्सिंग सहायक सिपाही फार्मा पदों के लिए खुली रहेगी। ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 22 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी। बता दें, सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण के लिए joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन करना है। पात्रता की जांच कर प्रोफाइल बनानी है। वेबसाइट लॉगिन करने पर सभी श्रेणी के लिए मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को ₹250 के परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना होगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में मार्क्स फाइल तैयार करने में हाईटेक का होगा इस्तेमाल। झारखंड एकेडमी काउंसिल परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक में उस तकनीक हाईटेक का इस्तेमाल कर रही है। अब मैट्रिक व इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भर कर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे, जबकि पहले इसमें 45 दिन लगते थे। इस बार से जैक में MR बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षक को न परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा, न संबंधित विषय का नाम या रोल नंबर। सारा कुछ पूर्व से ही एक MR बेस्ड शीट में अंकित होगा। शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय में परीक्षार्थी को हासिल अंक अंकित करना है। मार्क्स को अंकित करने के साथ ही उसे डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा। हजारीबाग में अबुआ आवास के 28,295 लाभुकों के अकाउंट में भेजे गए पैसा। हजारीबाग में अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा जिले के 28,295 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। बैंक खाते में DBT के माध्यम से पहली किस्त के रूप में 84,88,50,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि वर्ष 2027 तक झारखंड के सभी जरूरतमंद लोगों के पास अपना पक्का का मकान होगा। 3 दिन से झारखंड के नाराज कांग्रेस विधायक दिल्ली में। कांग्रेस के 8 नाराज विधायक पिछले 3 दिनों में पार्टी आलाकमान से नहीं मिल पाए। मंत्रिमंडल बंटवारे से नाराज विधायक शनिवार की देर शाम रांची छोड़कर हवाई जहाज से दिल्ली चले गए थे। विधायकों ने कहा था कि वह अपनी बातें केंद्रीय नेतृत्व के पास रखेंगे। नाराज विधायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव KC वेणुगोपाल से मिलना चाहते थे, लेकिन सूचना के मुताबिक विधायकों को अब तक समय नहीं मिल पाया है। दिल्ली दरबार कांग्रेस के नाराज विधायकों को भाव नहीं दे रहा। इधर दिल्ली पहुंचकर विधायकों ने एक रिसोर्ट में डेरा जमाया था। सोमवार को विधायकों ने रिसोर्ट छोड़ दिया है। प्रदेश के नेताओं से भी दूरी बना ली है। इधर प्रदेश नेतृत्व भी विधायकों के नए ठिकाने का पता लगाने में जुटा है। JSSC के सचिव बने सुधीर कुमार गुप्ता। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का सचिव बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने सूचना जारी कर दी है।
बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और संयुक्त सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सुधीर कुमार गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सीएम के मंत्री ने दिया अपडेट। अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप कुमार राय ने रविवार को मधुपुर स्थित आवास पर मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश प्रभारी ने मंत्री को बताया कि विशेष परिस्थिति वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण के लिए जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित सूची राज्य को भेजी गई है। पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण की शर्तों को पूरा करने वाले शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसे जिला स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। एक ही पोर्टल के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों ने भी आवेदन किया था, जिनका स्थानांतरण सूची जनवरी में ही जारी कर दिया गया है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों का स्थानांतरण सूची जारी नहीं करने से शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। झारखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा रहे आवासीय व जन्म प्रमाण पत्र। झारखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, इसका खुलासा सीबीआई जांच में हुआ है। अधिकारियों और बच्चों के अभिभावक, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड पार्षद की मिली भगत से बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इनमें अधिकतर राज्य से बाहर के लोग हैं। इस आपसी गठजोड़ में बड़े रैकेट के शामिल होने की संभावना है। जांच में यह भी पता चला है कि प्रबंधन के आंख में भी धूल झोंक कर फर्जी डोमिसाइल और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिष्ठित स्कूल और सैनिक स्कूल तिलैया में बड़े पैमाने पर झारखंड कोटे से नामांकन प्राप्त किया गया। सीबीआई ने इन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज में नामांकन कराए जाने की जाँच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है। बीजेपी रच रही साजिश, भाजपा पर बरसी मंत्री बेबी देवी। झारखंड में नावाडीह प्रखंड स्थित विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों को रफ्तार देने को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री बेबी देवी ने नावाडीह प्रखंड के आहारडीह में पीसीसी पथ निर्माण कार्य, आहारडीह में बखरी टोला से शिव मंदिर के पास तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य, आहारडीह से निमिया मोड़ तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य, वहीं बरई के लरैया टोला में बजरंगबली मंदिर से पुलिया तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य, बरई के गारडी टोला स्थित जाहेर थाना में शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा है कि राज्य के विकास को बाधित करने के लिए भाजपा ने एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया है। जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा के लगे नारे। झारखंड के पूर्व सीएम सह झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी व केंद्रीय सरकार के षड्यंत्र के विरोध में झामो कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रखंड के कटहलबाड़ी पंचायत से न्याय यात्रा शुरुआत की है। यह न्याय यात्रा झामो प्रखंड अध्यक्ष गुरु हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष राजू यादव व संगठन मंत्री जितेंद्र यादव के नेतृत्व में निकाली गई। इससे पूर्व सैकड़ों झामो नेता और कार्यकर्ता सराय विधा मैदान के समीप जमा हुए। यहां से गले में झामो का पट्टा, हाथ में तख्ती लेकर पद यात्रा की शुरुआत की गई। यह पद यात्रा सराय विधा, शर्मापुर, सुरंग, बांसभीटा, रक्सो बांध, माधोपाड़ा पंचायत भर के अन्य गांव में भ्रमण किया गया और लोगों को जानकारी दी गई। इस क्रम में झामो नेता नारेबाजी भी कर रहे थे, जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, केंद्रीय सरकार होश में आओ, केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग बंद करो, ईडी तेरी मनमानी नहीं चलेगी आदि नारे से पंचायत के सभी गांव में गूंज रहा था। झारखंड मौसम। झारखंड के उत्तरी भागों में फिर से अच्छी बारिश होने के आसार बन रहे हैं। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने से 21 से 23 फरवरी के बीच इसका प्रभाव रहेगा। राज्य के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे, जबकि उत्तरी भागों में 21 और 22 फरवरी को बारिश होगी। इस दौरान रांची में हल्के बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश हो सकती है। राज्य में अगले दो दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होगी और दिन का पारा भी गिरेगा। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भाग में कायम विक्षोभ पूर्वी की ओर बढ़ रहा है। इससे यह यूपी को पार करने के बाद बिहार से होकर गुजरेगा। इस कारण बिहार से सटे सीमावर्ती जिलों में हल्की बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में अभी ओलावृष्टि और वज्रपात का जिक्र नहीं किया गया है। 10 साल में 740 विधायक व सांसद भाजपा में शामिल, जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को दावा किया है कि बीते 10 साल में ऐसे कम से कम 740 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनके खिलाफ केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।
केंद्र सरकार पर हमला करते हुए झामो ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा ने यह कहावत अपना ली है कि मेरी बात मानो या अपना रास्ता लो, और कहा है कि झारखंड इसकी बेहतरीन मिसाल है। पत्रकारों से बात करते हुए झामो महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि 2014 से 24 तक देश ने कई अजीब चीज़ें देखी है, जिनमें क्या खाना, पहनना, पढ़ना और क्या सुनना यह भी शामिल है। वैवाहिक मामलों में पति के रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि वैवाहिक विवाद के मामलों में पति के रिश्तेदारों को केस में फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रिश्तेदारों के खिलाफ लगाए गए आरोप का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं रहता। अदालत ने प्रार्थी नीरज कुमार, उमेश कुमार एवं शिवा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत के संज्ञान और चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया है। यह मामला गढ़वा जिले का है। पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डीआईजी की टीम पर कोयला तस्करों व मजदूरों ने किया हमला। वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र अंतर्गत केदला कलाली मोड़ के पास स्थित ईट भट्टा में छापेमारी करने गई हजारीबाग के डीआईजी की टीम पर कोयला तस्करों व ईट भट्टों के मजदूरों ने हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया है, शीशा भी तोड़ दिया है। हालांकि हमले में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। छापेमारी करने गई टीम को वहां से लौटना पड़ा। यह घटना रविवार की रात करीब 1 बजे की है। डीआईजी की टीम का नेतृत्व कर रहे दरोगा दीपक कुमार पासवान ने वेस्ट बोकारो ओपी में प्राथमिकी कराई है। इसमें 50 से 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। रांची में जेई अभ्यर्थियों ने निकाली जेएसएससी की शव यात्रा। रांची में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग पर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। राजधानी रांची में जेई प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। सोमवार को अनशन स्थल पर अचानक अफरा तफरी मच गई, जब एक अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर पड़ा। अन्न का त्याग करने वाले एक अनशनकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बेहोश होकर अनशन स्थल पर अचानक गिर पड़ा। तबीयत खराब होने के बाद उसके साथी अभ्यर्थियों में अफरा तफरी मच गई। सभी उसकी सेहत को लेकर चिंतित हो उठे। हालांकि उन्होंने अपने स्तर से स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने एम्बुलेंस बुलाकर अनशनकारी अभ्यर्थी को तत्काल रिम्स भेज दिया है। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसा मामला। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद से रोपवे पर्यटन पूरी तरह से बंद है। इसकी वजह से इसके आसपास के कम 10,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवे ने झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को रोपवे हादसे पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें हादसे को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि वह अपने खर्च पर इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी की ओर से 9 फरवरी 2024 को तकनीकी रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट में रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवे के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महेश महता ने कहा है कि यह घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है।